पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं गोसाई टोले के ग्रामीण। किस्को थाना के मुख्य द्वार पर एकमात्र चापाकल पर निर्भर है 250 परिवार। लोहरदगा जिले के किस्को थाना के मुख्य द्वार पर स्थित एकमात्र चापाकल, जिसमें थाना के बगल पर स्थित गोसाई टोला की 250 परिवार निर्भर करते हैं। पानी की तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है सर, क्योंकि हमारे गांव में गोसाई टोली में एक ही चापानल है, उसके लिए गांव के सारे औरतें आते हैं यहीं पर, और हम लोग CO BDO के पास तो नहीं गए थे सर पानी की समस्या लेकर। आपको दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, अब देखिए सर आप लोग भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। गर्मी में हम लोग को पानी का दिक्कत हो रहा है नहाने के लिए, और पानी की समस्या बहुत बड़ी बढ़ चुकी है, पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है। देखते हैं आजकल धूल कितना उड़ता है, उसके लिए कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए। हाँ सर, CO BDO से तो मिलना होगा, लेकिन वो गए नहीं हैं, अकेले हो जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि एकमात्र चापाकल होने से पेयजल की काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल समस्या से छुटकारा दिलाने हेतु कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, बावजूद अभी तक ना तो गांव वाले को पेयजल की व्यवस्था मुहैया कराई गई है और न ही किसी के द्वारा कोई ठोस पहल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी हताश और उदास है। इधर ग्रामीण आरती कुमारी और कृष्णा महलीन की माने तो किस्को थाना के समीप पर स्थित एकमात्र चापाकल के सहारे 250 परिवार निर्भर रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस संदर्भ में BDO से गुहार लगा चुके हैं, बावजूद अभी तक पेयजल संकट से गुजरना पड़ रहा है। इधर गर्मी के आगमन होते ही इन गाँव वालों के समक्ष पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो, अमर गोस्वामी के साथ किस्को से हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। हम लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, कहे कि यहाँ बस एक ही चापाकल भी थाना के पास है, तो अच्छा नहीं लगता है आने के लिए। और हम लोग पानी के विषय में BDO सर से भी बात किए थे, लेकिन अभी तक पानी मिला नहीं है। सप्लाई पानी आता है, वो भी 2 दिन छोड़ आता है, तो फिर हम लोग बहुत परेशानी होती है इसके विषय में। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।